हेलो एवरीबॉडी, मैं कुबेर पाटीदार और मैं आपके सामने एक ट्यूटोरियल के माध्यम से बताऊंगा कि सर्विस बुक को अभी ऑनलाइन करने के आदेश हुए हैं तो किस तरीके से उसको ऑनलाइन किया जाएगा और क्या इसमें टर्म एंड कंडीशन है, कौन से डाटाज हमें एंट्री करने हैं, तो इस तरीके से इसमें मैं आपको बताऊँगा। तो आप देखेंगे और मेरे चैनल को दूसरी तरह सब्सक्राइब करेंगे और इस डेमो प्रपत्र में सबसे पहले अपन आइए ऊपर से चलते हैं कि सबसे पहले सर्विस बुक ऑनलाइन करने के लिए आपको IHRMS की साइट पर लॉगिन करना होगा। ये सेवा पुस्तिका ऑनलाइन करने के लिए IHRMS की साइट को लॉगिन करना है यहाँ पर। और IHRMS ह्यूमन रिसोर्स और मैनेजमेंट सिस्टम का है ये, और इसमें अपन को सर्विस बुक को ऑनलाइन कैसे किया जाएगा तो ये अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन जाएंगे इसमें लॉगिन पेज पर, और लॉगिन पेज पर जाकर URL में आपको इस तरीके से सर्विस बुक की जो है वो इस साइट को आपको लॉगिन करना है। और लॉगिन पेज में आप यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट आप अपने RGBN ID डाल सकते हैं लॉगिन में, और लॉगिन के बाद में पासवर्ड भी आपका RGBN ID ही होगा, और उसके बाद में कैप्सा फिलअप करेंगे। कैप्सा फिलअप करने के बाद में यहाँ पर लॉगिन बटन पर आपको क्लिक करना है। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद में आपके जो होम पेज खुलेगा, उस होम पेज में कुछ इस तरह से मतलब वो इंप्रेस करेगा। जो ड्रॉप बॉक्स खुलेगा उसमें आप पासवर्ड बदल भी सकते हैं, बाद में आपको पासवर्ड बदलना भी है। तो फिलहाल तो आपको अपनी डाटा एंट्री के लिए जो आपकी RGBN ID और पासवर्ड भी आपका RGBN ID ही यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में उसने कौन से डाटा फिल करने हैं, कौन से, अभी विभाग ने तो 23 पेज का एक लोगो जारी कर दिया है कि 23 पेज की जो मतलब जारी किया है लोगो, उसमें अपन को इस तरीके से अपन को डाटा एंट्री करने हैं। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि इसमें कौन से डाटा एंट्री करने हैं। जैसे यहाँ पर ये बताया गया है कि सर्विस बुक सेवा पुस्तिका में सर्विस बुक प्राप्त करने की प्रक्रिया नीचे विस्तार से, जिसमें डेट ऑफ प्रूफ के लिए आपको अपना एक सर्टिफिकेट है उसको आपको स्कैनिंग सिस्टम के माध्यम से उसमें आपकी सर्विस बुक में जो फीडअप है वहाँ पर डालना भी है, क्योंकि ये दस्तावेज आपके कर्मचारी के अपने जो जन्म दिनांक है उसके उसको प्रूफ करेगा। उसके बाद में है आपका कि इसमें मतलब जैसे समयवार सर्विस बुक प्राप्त करने के लिए आवश्यक जो भी दस्तावेज हैं आपके, जैसे रिक्वायरमेंट यानी फर्स्ट नियुक्ति, प्रथम नियुक्ति जो आपकी हुई है, उसके बाद में दूसरा पॉइंट है कि कन्फर्मेशन यानी कि सत्यापन, आपका सत्यापन कब हुआ, यानी कि जो आप फिक्स हुए तो उसके अनुसार आप ऑर्डर के मुताबिक किस तरीके से आपका सत्यापन हुआ है, वो भी अलग अलग प्रपत्रों में आपको फीडअप करना है। यानी कि ये सारी डिटेल आपकी PIS पे करने, पर्सनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, एम्प्लॉई पर्सनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम पे जाकर ही आपको सर्विस बुक को ऑनलाइन करना है। उसके बाद में आपको जिसे यहाँ पर जो इंक्रीमेंट तीसरा है इसमें, इंक्रीमेंट आपकी वेतन वृद्धि, जैसे जुलाई में एक बार अपन की वेतन वृद्धि लगती है तो वो भी इसमें ऑर्डर के मुताबिक आपको फिलअप करना है कि इस ईयर में मेरी वेतन वृद्धि इतनी। वेतन वृद्धि तो कॉमन अलाउंस में आती है सबके लिए, 3% इस ऑल आर कॉमन, लेकिन उस टाइम अपना बेसिक क्या था, अपनी पे स्केल क्या थी, अपनी GP क्या थी, तो वो सारी डिटेल आपकी अलग एंट्रीज होगी। जैसे पे स्केल से मतलब है कि 5200 यानी कि 5200 से 20200 और 9300 से 34800, ये पे स्केल। और GP यानी कि ग्रेड पे में आपकी 3600 भी हो सकती है, 4200 भी हो सकती है, और जैसे कि आप अभी मान लो सेकंड SEP जिसकी मिल गई हो तो उसकी 4800 है, और 5400 फर्स्ट ग्रेड की है तो वो ग्रेड पे GP, तो वो भी आपको इसमें इस वेतन वृद्धि वाले कॉलम में वो भी आपको दर्ज करनी है कि उस टाइम आपका बेसिक क्या था और क्या किस तरीके से आपने उसमें एंट्री। उसके बाद में आपकी तरक्की यानी कि प्रमोशंस, आपके कब कब प्रमोशन हुए हैं वो भी ऑर्डर के मुताबिक इसमें फिलअप करना है। उसके बाद में
ये लीव यानी कि अवकाश, आपके कितने अवकाश सेंक्शन हुए हैं, कितने मेडिकल लिए हैं आपने, कब कब पीएल आपने भुगतान लिया है, या पीएल आपके एंट्रीज जो खाते में हुई हैं उसका भी इंदिराज यहाँ पर अवकाश में आपको करना है। उसके बाद में रिलीविंग यानी कि आप कार्यमुक्ति, जैसे इस स्कूल से दूसरे स्कूल में आप कार्यमुक्त हुए तो वहाँ पर भी आपको सेवा मुक्ति का भी प्रमाण आपको उसमें ऑर्डर के मुताबिक उसमें भरना है। और जॉइनिंग एंड ट्रांसफ़र यानी कि स्थानांतरण के बाद कार्य ग्रहण किया आपने तो वो कौन सी तारीख थी और कौन सी तारीख को आपने कार्य ग्रहण किया, पूर्वाह्न किया या मध्याह्न किया, वो सारा ऑर्डर के मुताबिक कौन सी तारीख के मुताबिक कौन सी स्कूल थी, वर्तमान में कौन सी स्कूल में गए और प्रीवियस स्कूल आपकी कौन सी थी, तो इस तरीके से स्थानांतरण के बाद कार्य ग्रहण की पुष्टि भी आपको इसमें दर्शानी है। उसके बाद में है इनाम, जो आपको इनाम वगैरह कुछ मिले हैं, अवार्ड मिले हैं, या आपने कोई अच्छा काम किया हो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत तो आपको अवार्ड मिला हो, सम्मानित किया हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हो सकता है, ब्लॉक लेवल पे भी हो सकता है, या 26 जनवरी पे आपको कोई अवार्ड मिला हो, 15 अगस्त पे मिला हो, तो उसको भी आपको इसमें अवार्ड में शो करना है। और इसके बाद में पॉइंट आता है कोर्ट केसेस, अगर किसी ऐसा कभी किसी के होता नहीं है और मैं तो कहता हूँ किसी को होना भी नहीं चाहिए कोर्ट केसेस से, मतलब ये है कि कहीं मतलब आप किसी अदरवाइज कार्यों में ये मतलब कहीं कई लोगों के होते हैं। उसके बाद में इंक्वायरीज पूछताछ, तो पूछताछ में आपको बताया जाएगा कि पूछताछ में, हाँ तो मित्रों इसमें कोर्ट केसेस जो होते हैं मतलब किसी के, और दूसरा उसके बाद में आता है इंक्वायरीज पूछताछ वगैरह, वही भी उससे ही रिलेटेड है। उसके बाद में ये निलंबन है आपके, कोई निलंबित मतलब कभी अपना सर्विस काल के दौरान अपना कभी निलंबन हुआ हो तो उसके अनुसार भी अपन को इसमें शो करना है। तो ये सारी डिटेल आपको इसके अंतर्गत ही भरनी है। और उसके बाद में पे फिक्सेशन आता है आपका, सर्विस सेवा आपकी, सर्विस जहाँ से आप लगे हैं वहाँ से कहाँ तक आपने सर्विस करी उसका सारा बायोडाटा, सारा रिकॉर्ड, पे फिक्सेशन है इसमें, पे फिक्सेशन में आपको मतलब कब कब अपना फिक्स हुआ। उसके बाद में आप सारी एंट्रीज को एडमिनिस्ट्रेटर जो है DDO अपना उसी उसके अनुसार भी अपन उसको कर सकते हैं। तो उसके बाद में आपका जो नॉमिनेशन है वो भी इसमें आएगा, सारी चीज़ इसी में भरनी है आपको। उसके बाद में सबसे लास्ट में आपको जो है वो इसको जनरेट सारी चीज़ देखने के बाद में उसको प्रोफाइल में जा कर के आपको देख लेना है अच्छी तरह से कि मेरे डाटा जो मैंने अंदर डाले हैं उसको हर प्रपत्र के नीचे आपको सेव सबमिट बटन सारा दिया हुआ है। और अगर आपको क्लियर करना है सभी डाटास को, मतलब कुछ गलत भरे गए हैं या अपन को कन्फ्यूज़न है कि अपन को मेरे इस तारीख को ये फिक्सेशन की कोई डेट गलत हो या आपके मतलब जो ट्रांसफ़र हुए हैं या कार्यमुक्ति कहीं से हुए हैं तो वहाँ की डेट गलत हो, तो आप क्लियर भी उसको कर सकते हैं। उसके बाद में रिसेट करने के बाद में वापस आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है और फिर सेव करना है। तो इस तरीके से आपको प्रत्येक प्रपत्र के नीचे सबमिट, रीसेट एंड क्लोज बटन का उपयोग दिया जाएगा, जो आपको अपने अनुसार आपको जैसा भी मतलब लगता हो उस अनुसार आपको यूज़ भी इसको करते हुए करना है। उसके बाद में आप कोई चीज़ अगर मान लो डॉक्यूमेंट जो अपना है जैसे सर्विस का रिलेटेड हो, चाहे अपनी DOB संबंधी डेट ऑफ बर्थ से संबंधित रिलेटेड हो, तो उसके अलावा अपने पास में अदर डॉक्यूमेंट अगर मान लो कोई करते हैं तो मतलब उस संबंधित अपन को इस बॉक्स में अपन को अदर डॉक्यूमेंट का जो नाम है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर अपन को लिखना है, उसका विवरण भी अपन को दर्शाना है। जैसे डेट ऑफ बर्थ में अपन 10th की मार्कशीट दे देते हैं तो 10th की मार्कशीट के लिए कोई डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि OLR वो पहले से ही वेरीफाई है। अगर उसके अलावा अपन अगर कोई डॉक्यूमेंट देते हैं तो जैसे आय प्रमाण पत्र है या मूल निवास प्रमाण पत्र है, कई लोग इस तरह के भी दे देते हैं, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना है कि ये मूल निवास है या आय प्रमाण पत्र है। उसके बाद में ब्राउज़र में जाके उसको स्कैनिंग फाइल जो होगी आपकी कंप्यूटर में मिलेगी ये, तो उसको यहाँ पर जा कर के आपको अपलोड करनी है और फिर उसको सबमिट करनी है। उसके बाद में जो है
वो लास्ट में होगा। आपका सारा सत्यापन वगैरह कर लेने के बाद में आप खुद कंफर्म होने के बाद आप जो भी डॉक्यूमेंट डालें वो उस डेमो के अंतर्गत आप देख भी सकते हैं यहाँ से ओपन करके कि मेरा जो डॉक्यूमेंट डाला है वह वही है या अदरवाइज आपने सिलेक्शन करते वक्त आपने कंप्यूटर में सिलेक्शन करते वक्त तो बाय मिस्टेक हो गई हो कि जैसे मार्कशीट की बजाय आपका कोई दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया हो तो पहले यहाँ इस डेमो में ओपन करके आप उसको देख भी सकते हैं, उसके बाद में ही आप फाइनल सबमिट उसको करें। यहाँ पर अपलोड के बटन का क्लिक करें, आप सेव भी कर सकते हैं, इसको ओपन भी यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद में जो होता है कंफर्म बटन पर आपको क्लिक करके इसको फाइनल सबमिट करना है और उसके बाद में स्टेप टू स्टेप सारा जो होगा और लास्ट में आपको सर्विस बुक जनरेट बटन जो आपका लास्ट में होगा, सर्विस बुक जनरेट बटन करने के बाद में आपकी सर्विस बुक जनरेट होके पीडीएफ में भी आ सकती है या विभाग ने अभी ऐसा जारी नहीं किया है ये पीडीएफ में आएगी या विनरर में भी आ सकती है, तो आप इसको केवल देख सकते हैं और उसको एडिट करना हो तो भी आप कर सकते हैं, बट फ्रीज करने के बाद में आप इसको एडिट नहीं कर सकते। फ्रीज बटन क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर ये स्थिति आपकी आ जाएगी और जिसको आप फ्रीज करने के बाद में आप केवल उसको देख सकते हैं, केवल उसको डाउनलोड कर सकते हैं और कोई एडिटिंग का ऑप्शन आपके पास में नहीं बचेगा। तो आप बिल्कुल मेरे इस ट्यूटोरियल को देखा आपने ध्यान से और इस तरीके से आपके जो भी मतलब डाटाज हैं वो सर्विस बुक में ऑनलाइन आप आसानी से कर सकते हैं और सर्विस बुक जहाँ तक हो आपकी जो कंप्यूटर एक्सपर्ट है उससे ही उसके ही पास करवाने से फ़ायदा है, क्योंकि जब आपके कोई डाटा अगर एंट्रीज गलत हो गई इसमें और उस कंफ्यूजन को आप लाइफ टाइम तक कभी भी सर्विस लाइफ में अपन उसको सुधार नहीं सकते हैं। एक बार डाटा फ्रीज होने के बाद में उसको अपन वापस एडिट नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते उसको, इसलिए कंप्यूटर एक्सपर्ट के पास ही आपको सर्विस बुक जो कंप्यूटर एक्सपर्ट मीन्स जो शिक्षा विभाग से बिलोंग करता हो, ज़्यादातर आजकल बहुत सारे मतलब साइबर कैफ़े भी चलाते हैं, बहुत सारे प्राइवेट कंप्यूटर हैं, तो इसमें क्या होगा कि सर्विस बुक जब आपकी कुछ भी गलत एंट्री हो जाती है और फ्रीज डाटा होने के बाद में आपकी जो गुडलक फाइल बनेगी उस समय आपके प्रॉब्लम अपने आ सकती है। तो मित्रों मेरे इस ट्यूटोरियल को आप शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मैं आपको अगले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि उसको ऑनलाइन प्रोसीजर भी मैं आपको इसमें बता दूंगा। ओके थैंक।